हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, क्लास ट्वेल्थ मैथ में एनसीईआरटी का जो हम मैथ आपको पढ़ा रहे हैं, इसके पहले जो भी हमने वीडियोज प्रोवाइड किया वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्रश्नावली 5.3 से आज हम कोशिश ये करेंगे कि इसमें जितने 15 प्रश्न हैं बच्चों वो कम्प्लीट हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करें। यहाँ पर हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, सीधा हम क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा प्रश्नावली कौन सा बच्चों, तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रश्नावली डाल देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो सकेगा। ये प्रश्नावली हमारा है, प्रश्नावली आपका कौन सा बच्चों, 5.3। पहला जो हमारा प्रश्न है, देखिएगा, dy/dx ज्ञात करना है। 2x + 3y बराबर साइन एक्स। चलिए, हमको क्या करना पड़ेगा, x के सापेक्ष अवकलन, dy/dx, नीचे x है मतलब x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करेंगे बच्चों, तो d/dx हो जाएगा 2x + 3y इक्वल d/dx साइन एक्स। ठीक है, अब देखिएगा, इन दोनों में अलग अलग करना पड़ेगा, तो d/dx हो जाएगा 2x + d/dx 3y। यहाँ पे साइन एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। दो को बाहर ले लो बच्चों, तो आपका यहां पर बचेगा x। ठीक, यहां पर जब तीन बाहर ले लो बच्चों, तो यहां पर आपका dy/dx हो गया इक्वल कॉस एक्स। साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स हो जाता है। देखिए, x का अवकलन एक होता है, तो 2 × 1 = 3 dy/dx 3dy/dx इक्वल कॉस एक्स। देखो बच्चों, 2 × 1 = 2 प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 3dy/dx हो जाएगा कॉस एक्स माइनस 2, उधर जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा। अब देखिए, बहुत ही सिंपल है, dy/dx का मान निकालना था, तो यहाँ पर कॉस एक्स माइनस 2/3, यहाँ पे भैया मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो जाएगा। ठीक, यही आपका आंसर हो गया, पहला आंसर कंप्लीट। दूसरे प्रश्न पर चलेंगे। दूसरा प्रश्न यहाँ पे 2x + 3y इक्वल साइन वाई। ठीक है, 2x + 3y इक्वल साइन वाई। अब क्या करना बच्चों, वही दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो चलो भैया d/dx हो गया, इधर 2x + 3y हो जाएगा, और इधर आपका d/dx हो जाएगा साइन वाई। कुछ डायरेक्ट करते हैं बच्चों, जैसे 2 बाहर आ जाएगा d/dx, x का अवकलन करेंगे, 3 बाहर आ जाएगा dy/dx हो जाएगा। अब देखिए, साइन वाई का हो जाएगा कॉस वाई, और फिर dy/dx, क्यों, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में है ना, इसलिए साइन वाई का कास वाई, और फिर वाई का अवकलन करेंगे तो dy/dx। अब यहाँ पर आप देखो, x का एक बचेगा तो 2 हो जाएगा बच्चों, इसको पूरे को पक्षांतर कर दें, 3dy/dx, चलो एक स्टेप और कर लेते हैं, कास वाई dy/dx। ठीक, अब देखिएगा, ये पूरा प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 2 इक्वल कॉस वाई dy/dx माइनस 3dy/dx। यहाँ पर बच्चों 2 ही रहने दो, दोनों में से आप कॉमन ले लो, तो बचेगा कॉस वाई माइनस 3dy/dx। अब हमको यहाँ से dy/dx निकालना है, बहुत ही सिंपल है, dy/dx कैसे निकलेगा, ये 2 भैया ऊपर है तो ऊपर रहने दो, ये जो गुणा में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो कॉस वाई माइनस 3। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। थोड़ा इधर उधर हो सकता है, बाकी कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। अब हम चलते हैं बच्चों प्रश्न क्रमांक 3 पर। तीसरा प्रश्न देखिएगा,
तीसरा प्रश्न है ए एक्स प्लस बी बाई स्क्वायर इक्वल कास बाई। हमें क्या करना बच्चों, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन कर दो बच्चों, d अपॉन dx हो गया, इधर ए एक्स हो गया प्लस बी वाई स्क्वायर, इधर हो जाएगा d अपॉन dx हो जाएगा और cos y हो जाएगा। ठीक, देखिएगा क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे तो एक कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट है उसे बाहर ले लो, x बचेगा, यहाँ पर b कांस्टेंट है तो आपको बचेगा d अपॉन dx y का स्क्वायर। ठीक, आगे देखिए बच्चों, यहाँ पर यदि हम कहें cos y का हो जाएगा माइनस साइन y, फिर y का अलग से हो जाएगा dy अपॉन dx, क्योंकि यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में अवकलन कर रहे हैं लेकिन हमें cos y करना है, तो ऐसा फॉर्मेट होता है। x का अवकलन एक हो जाएगा, बचेगा एक धन। देखिएगा जब भी हम स्क्वायर होता है तो दो सामने आ जाएगा तो कितना बचेगा, y स्क्वायर का अवकलन 2y हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ x के रिस्पेक्ट में था इसलिए dy अपॉन dx करना पड़ेगा, इधर रख दो आप माइनस साइन बाई रहने दो, डी वाई अपॉन डी एक्स, देखिए माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, साइन बाई डी वाई अपॉन डी एक्स है ऑलरेडी, प्लस का यहाँ पे टू बी बाई डी वाई अपॉन डी एक्स, ए प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, बाकी दोनों में से कांस्टेंट जो मतलब उभयनिष्ठ हो उसे बाहर ले लो तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। देखो बच्चों, जो गुणा में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स का मान निकल कर आएगा, माइनस ए रहने दीजिए, ये टू बी बाई है प्लस साइन बाई है। ठीक है, आंसर हो गया, मेथड यही करना, थोड़ा इधर उधर आंसर आ जाए तो बताना भाई कमेंट बॉक्स में, है ना, ये तो कह दो सर कहाँ से आ गया आपका। देखो अगला नंबर, एक्स बाई प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टेन एक्स, टेन एक्स प्लस बाई, तो दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करना बच्चों, d अपॉन डी एक्स हो जाएगा, यहाँ पर x बाई प्लस बाई स्क्वायर, इधर d अपॉन डी एक्स हो जाएगा और इधर आपका टेन एक्स है प्लस बाई हो जाएगा। देखिएगा अलग अलग करेंगे, x बाई को अलग कर दिया, बाई स्क्वायर को अलग कर दिया, इधर भी बच्चों d अपॉन डी एक्स टेन एक्स को अलग कर दिया प्लस, ये तो बाई है तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। यहाँ पर ये गुणा वाला लगेगा, गुणा वाला में क्या होता है, पहला फलन दूसरे का अवकलन, फिर दूसरा फलन पहले का अवकलन, एक्स का अवकलन करेंगे, बाई स्क्वायर का अवकलन टू बाई, लेकिन एक्स के रिस्पेक्ट में इसलिए डी वाई अपॉन डी एक्स लगाना है। ठीक है, टेन एक्स का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स, और इधर डी वाई अपॉन डी एक्स, इसमें कोई लोचा नहीं, इधर कोई छेड़खानी नहीं होगा, x का अवकलन यहाँ पे एक हो जाएगा, x प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस बाई बचेगा, x का अवकलन एक हो जाएगा प्लस टू बाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल सेक स्क्वायर एक्स प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ से बच्चों आपको थोड़ा सा जैसे बाई को इधर रहने दीजिए, सेक स्क्वायर को इधर लाएंगे प्लस का तो माइनस होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स माइनस में डी वाई अपॉन डी एक्स है, रहने दीजिए बच्चों, यहाँ पे, यहाँ पर आपका हो जाएगा प्लस, प्लस है यार, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये भी माइनस हो जाएगा टू बाई डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको आपको थोड़ा सा माइनस करना है, तो यहाँ पर क्लियर है, फिर से एक बार देख लो, बाई है तो बाई रहने दो, sec स्क्वायर एक्स प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है बच्चों, और आपका ये प्लस है तो इधर जाकर माइनस होगा, ये प्लस है तो इधर जाकर माइनस होगा, ये दो चीज है। अब इनमें से आप डी वाई अपॉन डी एक्स काम ले लो, मतलब उभयनिष्ठ लेना है। ठीक है, इधर आपका बचेगा बाई sec स्क्वायर एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस टू बाई डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। अब आपको समझ में भी आएगा ना भाई, एक बार फिर से लिख दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो, वन माइनस
टू वाई माइनस एक्स और डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया। ठीक है, अब बच्चों डी वाई अपॉन डी एक्स तो निकालना है हमको, तो बचेगा आपका क्या, वाई माइनस सेक स्क्वायर एक्स, वन माइनस एक्स को पहले लिख देते हैं, माइनस टू वाई। जी हाँ, आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आपका चौथा नंबर कंप्लीट हो गया बच्चों। चौथे नंबर के बाद हम पांचवें नंबर पर चलेंगे। पूरा कंप्लीट करना है आज के इस लेक्चर में, खत्म होना चाहिए पूरा का पूरा, है ना, छोड़ना नहीं है एक भी। ठीक है, पांचवें नंबर में आपका है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 100। अब क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर d अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई प्लस बाई स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स, ये 100 हो गया। ठीक है, कांस्टेंट का 0 होता बच्चों, ये एक्स वाई है, सब में अलग अलग कर देते हैं ना, और इधर का कांस्टेंट का 0 हो जाता है। देखो एक्स स्क्वायर का 2x होगा आपका लन, दो सामने आता है, दो में एक घटेगा तो एक ही हो जाएगा। यहाँ पे दो भाग है, तो पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस का दूसरा फलन पहले का अवकलन। ठीक है बच्चों, फिर यहाँ पर देखो वाई स्क्वायर का 2y हो जाएगा, लेकिन आपका हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स, डी वाई अपान डी एक्स इक्वल में 0। इसके आगे क्या होगा बच्चों, देखिए 2x है तो 2x रहने दीजिए, x डी वाई अपान डी एक्स है तो इसको रहने दीजिए। यहाँ पर x का अवकलन 1 होता है तो y बचेगा, ठीक है, प्लस 2y डी वाई अपान डी एक्स इक्वल 0। एक काम करता हूँ, यहाँ पर x है और यहाँ पर आपका 2y है, दोनों का डी वाई अपान डी एक्स हो जाएगा, ये आपका पूरा का पूरा माइनस में हो जाएगा। जैसे यहाँ पे y है ना, y प्लस 2x, पक्षांतर होगा तो प्लस का माइनस हो जाएगा। अब इसको भाई गुणा में तो इधर भाग में ले जाओ, तो dy वाई अपॉन डी एक्स का मान आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा y प्लस 2x और नीचे x प्लस 2y। लो भैया आंसर आ गया। आज का लेक्चर हमारा पूरे प्रश्नों का रहेगा, इसलिए हम छोड़ेंगे नहीं एक भी, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक तो छोड़ेंगे नहीं। एक्स क्यूब, इस बार लंबा प्रोसेस है, एक्स क्यूब, चलिए कोई बात नहीं, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर बाई, फिर बच्चों एक्स बाई स्क्वायर प्लस लगभग बाई क्यूब है इक्वल में 81 है। देखिए पहली बात तो जो भी हमारे पास यदि कांस्टेंट अचर वैल्यू है उसको तो आप 0 मान के चलो, तो दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करेंगे बच्चों, तो d अपान डी एक्स हो जाएगा, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर बाई एक्स बाई स्क्वायर बाई क्यूब इक्वल डी अपान डी एक्स 81 है। अब अलग अलग करेंगे, यहाँ पर एक्स क्यूब हो जाएगा डी अपान डी एक्स, एक्स स्क्वायर बाई हो जाएगा डी अपान डी एक्स, एक्स बाई स्क्वायर हो जाएगा, फिर डी अपान डी एक्स बाई क्यूब हो जाएगा, और अचर पद का अवकलन 0। अचर पद का अवकलन बच्चों क्या हो जाएगा, 0। अगले स्टेप में देखते हैं, देखिएगा एक्स क्यूब का जो अवकलन हो जाएगा ना, 3 सामने आएगा, 3 में एक घटेगा तो 2 बचेगा। चलो भैया यहाँ पे दो फलन है, पहला फलन दूसरे का अवकलन, दूसरा फलन पहले का अवकलन, ठीक। फिर यहाँ पर भी ऐसे दो प्रोसेस है, पहला फलन दूसरे का अवकलन, फिर दूसरा फलन पहले का अवकलन, बाकी तो इधर भैया प्लस डी अपॉन डी एक्स बाई क्यूब है बराबर में 0। कोई बात नहीं, इस बार थोड़ा सा देखिएगा ट्विस्ट आएगा कहानी में। देखिए बच्चों यहाँ पे
एक्स स्क्वायर है यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स है, तो यहाँ पे कोई बदलाव नहीं होगा, यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट आएगा। एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है, दो सामने आएगा, टू और दो में घटेगा तो टू एक्स हो जाएगा, बाई रहने दीजिए, खत्म, ये बचा एक्स। यहाँ पर आपका बाई स्क्वायर का टू बाई आएगा, लेकिन एक्स के रिस्पेक्ट में था इसलिए डी वाई अपॉन डी एक्स लिखना पड़ेगा। फिर आगे देखो, एक्स का अवकलन एक हो जाएगा तो बाई स्क्वायर बस बचेगा, बाई क्यूब का तो तीन सामने आएगा, तीन में दो एक घटेगा तो दो, लेकिन एक्स की रिस्पेक्ट में था इसलिए डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल जीरो। अब देखो यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर है प्लस का, यहाँ पे आपका टू एक्स बाई है, यहाँ पे आपका थ्री वाई स्क्वायर है, और सभी में डी वाई अपॉन डी एक्स है, और पक्षांतर कर दूँ तो ये आपका थ्री एक्स स्क्वायर माइनस में हो जाएगा, कोष्टक लगाया हूँ, प्लस टू एक्स बाई प्लस बाई स्क्वायर, ये आपका पूरा का पूरा पक्षांतर होकर के माइनस प्लस का रूपांतरित होता है, ये गुणा में उधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा, ये माइनस बच्चों थ्री एक्स स्क्वायर टू एक्स बाई प्लस बाई स्क्वायर, और नीचे आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स बाई प्लस एक्स स्क्वायर टू एक्स बाई प्लस थ्री बाई स्क्वायर आंसर है। एक बार आप लोग वीडियो को रोक लो, थोड़ा सा चेक कर लो कहीं पे मिस्टेक तो नहीं, कहीं पे गलती भी तो नहीं है, ये माइनस भैया सब में से है, ऐसा नहीं कंफ्यूज हो जाना कि सर एक में माइनस लगा दिया अंदर तो नहीं, ब्रैकेट लगा मतलब सभी में माइनस है, चेक कर लिए ना। अब प्रश्न क्रमांक 7 पे चलेंगे, ठीक है, साइन स्क्वायर बाई प्लस आपका हो जाएगा कॉस एक्स वाई, बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस है भाई, कोई बात नहीं, बराबर के है, के तो हमारा कांस्टेंट है, उसको तो मार देंगे गोली, खत्म कहानी। साइन स्क्वायर बाई प्लस कॉस एक्स बाई इक्वल के, हमें क्या करना है बच्चों, सबसे पहले दोनों पक्षों में एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर कितना हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स साइन स्क्वायर बाई, अलग अलग कर देता हूं फटाफट, डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स बाई डी अपॉन डी एक्स, और इधर के है, ये आपका कांस्टेंट है, इसका मान जीरो आ जाएगा। देखो सबसे जैसे आपका होता है बच्चों कि एक्स स्क्वायर का टू एक्स होता है तो साइन स्क्वायर बाई का टू साइन बाई आएगा, पहली बात फिर से समझो आप लोग, ठीक है, साइन स्क्वायर का जैसे एक्स स्क्वायर का टू एक्स आता है ऐसे साइन स्क्वायर बाई का फिर से आपका आएगा टू साइन बाई, और जो हमने कहा कि साइन बाई का फिर से अवकलन होगा। अब आपको लगेगा कैसे, यदि हम साइन बाई को टी मानते तो टी स्क्वायर होता तो टू टी होता और टी का फिर से अवकलन होता, ये प्रोसेस है। ऐसे यहां पर देखिएगा कॉस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, ये हो जाता फिर से आपका अवकलन होता थीटा का, मतलब एक्स वाई का फिर से अवकलन होता, बाकी कांस्टेंट है जीरो, कुछ समझ में आया भाई, यहां पे टी स्क्वायर होता तो टी स्क्वायर का टू टी और टी का फिर से अवकलन होता, ठीक सर, फिर यहां पे सर कॉस टी का साइन टी फिर टी का अवकलन होगा, टी का फिर से अवकलन हो रहा है, ये मानने वाला प्रोसेस है ना। चलो यहां पे आपका टू साइन बाई रहने दीजिए और साइन बाई का आपका हो जाता है कॉस बाई, ठीक है, लेकिन फिर से बाई है यहां एक्स है और हमने एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन किया था लेकिन बाई का भी कर दिया इसलिए डी बाई अपॉन डी एक्स लगाना पड़ेगा, ये माइनस साइन एक्स वाई रहने दीजिए। ब्रैकेट में बच्चों यहां पे दो फलन है, पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन बराबर जीरो, टू साइन बाई कॉस बाई डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस साइन एक्स बाई, देखिए बच्चों यहां पर हो जाएगा आपका एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स और यहां पर प्लस बाई हो जाएगा बराबर में जीरो, भाई एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष एक होता है। अब इसके आगे क्या होगा, इसके आगे देखो टू साइन बाई कॉस बाई ये साइन टू बाई का फार्मूला है,
ठीक, इसका मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, यहाँ पर आपका x है साइन एक्स वाई डी वाई अपन डी एक्स, और यहाँ पे y है माइनस y साइन एक्स वाई बराबर जीरो। देखो इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है भाई। हाँ सर, एक कॉमन तो आ रहा है, क्या आ रहा है, डी वाई अपन डी एक्स, और ये माइनस है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस बाई साइन एक्स बाई, गुणा में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, आपका आंसर तो आ जाएगा, मतलब बाई साइन एक्स बाई बटा साइन टू बाई माइनस एक्स साइन एक्स बाई। ये लो भैया आपका आंसर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 7 का, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आ चुका है। अब हम पहुंचेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में, थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा चल रहा है और हमें 15 क्वेश्चन करने हैं, तो आप लोगों को धैर्य पूर्वक ध्यान देना भाई साहब, नहीं तो फिर आप लोग बीच में दिख चले गए तो फिर ख़त्म कहानी, हमारा मेहनत भी पानी और आज के लेक्चर की ख़त्म कहानी, इसलिए प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा तभी कुछ मज़ा आएगा, थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है आप लोगों को। दोनों पक्षों में क्या करने पर बच्चों, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो कर दीजिए डी अपॉन डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर बाई एक्स है ना भाई, एक भी ठीक इक्वल डी अपॉन डी एक्स, एक कांस्टेंट है अचर पद है उसका अवकलन तो जीरो ही आएगा। देखिएगा डी अपॉन डी एक्स कर देते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स कर देते हैं कास स्क्वायर बाई, अचर पद का आपका अवकलन जीरो आता है। देखो फिर से मैं कहता हूँ टी स्क्वायर का टू टी आता है और फिर से टी का अवकलन होता है, मैंने साइन एक्स को टी माना तो टी स्क्वायर का टू टी फिर टी का अवकलन, ऐसे बच्चों यहाँ पर टी स्क्वायर का टू टी फिर से आपका टी का अवकलन होगा यानी कास बाई का फिर से अवकलन होगा। देखिएगा यहाँ पे आपका साइन एक्स है और साइन एक्स का अवकलन कास एक्स हो जाएगा, ठीक यहाँ पर इस बार कास बाई ना माइनस साइन बाई देगा इसलिए माइनस लगा दिए, टू साइन बाई दे देगा और कास बाई ऑलरेडी है, फिर बाई के रिस्पेक्ट में हमने अवकलन किया जबकि एक्स के सापेक्ष होना था तो डी बाई अपॉन डी एक्स का मल्टीप्लाई कर दो। ये किसका सूत्र जानते हो, साइन टू एक्स, ये किसका है साइन टू बाई। अब ये बच्चों ये प्लस है तो ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर में माइनस साइन टू एक्स, माइनस से माइनस काट दो तो डी बाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा बच्चों साइन टू एक्स, गुणा में इधर जाएगा तो भाग में साइन टू बाई। कहानी तो लंबी थी, ट्विस्ट भी आ गया होगा। देखो भाई अभी 8 प्रश्न हुए हैं, अभी हम पहुंच चुके हैं भैया प्रश्न क्रमांक 9 में। अब यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेस चेंज होगा, बाई बराबर इसमें दिया है डायरेक्ट साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब जैसे हम प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में आपको समझाए थे यदि इस प्रकार से प्रोसेस दिया रहे तो हमें एक ऐसा वैल्यू फिट करना है कि जो कि यहाँ पे साइन के रूप में कन्वर्ट हो जाए, यदि यहाँ पे टेन थीटा रख दिया जाए तो साइन 2 थीटा का फार्मूला बन जाता है। देखिएगा माना एक्स बराबर टेन थीटा और यदि यहाँ से थीटा का मान चाहिए हो, थीटा का मान चाहिए तो टेन का पक्षांतर करेंगे तो टेन इनवर्स एक हो जाएगा, ठीक ऐसा हो जाएगा बच्चों। तो देखिएगा तो बाई बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब इसका जो मान होता है ना बच्चों साइन 2 थीटा का मान है और यदि साइन से साइन काट दो तो 2 थीटा हो जाता है और 2 थीटा का मान रखो तो टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा।
अब डी वाई अपान डी एक्स निकालना है, मतलब डी अपान डी एक्स टू टेन इनवर्स एक्स, ठीक है, बाहर ले लो टू, डी अपान डी एक्स टेन इनवर्स एक्स। बच्चों टेन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है, वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो टू बचा है वन प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बस सिंपल है। टेन इनवर्स का होता है वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे फार्मूला मैं लिख देता हूँ, साइन टू थीटा बराबर होता बच्चों टू टेन थीटा अपान वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला। और यहाँ पर चूंकि डी अपान डी एक्स टेन इनवर्स एक्स बराबर होता है वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये दो फार्मूले लग रहे हैं, तो फार्मूला वगैरह लिख लिया करें। देखिए दो मिनट में जब प्रश्न मतलब आप लोग समझने लग जाओ तो बस दो मिनट का रहता है, दो मिनट से ज़्यादा कुछ होता ही नहीं है, सिंपल रहता है, बिल्कुल बहुत ही सिंपल। ठीक, चलें आगे प्रश्न क्रमांक 10 पर। यहाँ पर बच्चों प्रश्न क्रमांक 10 नंबर पे बाई बराबर आपका है टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपान वन माइनस 3x स्क्वायर। अब यहाँ पर हमको टेन थीटा रखना है, और जैसे ही टेन थीटा रखेंगे तो टेन 3 थीटा का फार्मूला फॉर्मेट सेट हो जाएगा। क्या रखेंगे, टेन थीटा, माना x बराबर टेन थीटा, जब बच्चों थीटा की जरूरत पड़ेगी तो टेन इनवर्स x कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर रखिए तो y बराबर टेन इनवर्स 3x की जगह टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा डिवाइड बाय वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। ये किसका फार्मूला जानते हो, ये किसका फार्मूला है बच्चों, ये है टेन 3 थीटा का, टेन से टेन कटेगा बचेगा 3 थीटा, थीटा का मान कितना है टेन इनवर्स एक्स। अब हमको क्या निकालना है, इसलिए डी वाई अपान डी एक्स, मतलब x के सापेक्ष अवकलन करना है, ठीक। अब आपको सबको पता है वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है फार्मूला, तो आंसर आ गया 3 अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर। ले भाई, दिखने में तो प्रश्न बड़ा कठिन लगता है लेकिन प्रश्न उतना ही आसान होता है। आगे चलते हैं, आपके पास है बाई बराबर कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर, कितना बढ़िया है, इस बार कॉस है तो कॉस से कट जाएगा, फिर से टेन मानेंगे, ठीक बच्चों, क्या मानेंगे टेन मानेंगे। एक मिनट, चलते हैं हम 11 नंबर पे, बाई बराबर है आपके पास कॉस इनवर्स कितना है वन माइनस एक्स स्क्वायर अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर, फिर से पुट करेंगे, माना x बराबर टेन थीटा ही करते हैं बच्चों। अब देखिएगा जब यहाँ से थीटा का वैल्यू निकालना होगा ना तो पक्षांतर हो जाएगा, टेन इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा बच्चों क्या होगा, बाई बराबर कॉस इनवर्स वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपान वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये किसका फार्मूला है जानते हैं, ये किसका फार्मूला है, कॉस टू थीटा का, कॉस से कॉस कैंसिल तो आपको बचेगा टू थीटा, और थीटा का मान रखेंगे टेन इनवर्स एक्स। अब बच्चों में डी बाई अपान डी एक्स निकालना है तो डी अपान डी एक्स हो जाएगा टू टेन इनवर्स एक्स, टू बाहर भी ले लेंगे आप तो डी अपान डी एक्स टेन इनवर्स एक्स, भैया डी बाई अपान डी एक्स टू है तो रहने दीजिए, टेन इनवर्स का होता वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो आंसर आ गया टू अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर। अभी सभी में एक ही फार्मूला तो लग रहा है सर, कोई और फार्मूला लगा ही नहीं है, सेम प्रोसेस यहाँ पर, देखिए यहाँ पे कॉस इनवर्स था इस बार साइन हो गया, थोड़ा सा चेंज करेंगे हम, थोड़ा सा चेंज करके आंसर ले आएंगे। देखिएगा प्रश्न क्रमांक 12 है, बाई बराबर साइन इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स स्क्वायर, कोई बात नहीं, देखिएगा थोड़ा सा चेंज करेंगे, सेम प्रोसेस है अभी,
इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है भाई, भटक गया हमारा पेन, पेन ही नहीं मिल रहा। देखो अब हमको वीडियो रोक करके पेन ढूंढना पड़ेगा। चलो बाबूजी मिल गया, मिल गया। माना एक्स बराबर टेन थीटा। बच्चों यदि हमें थीटा की जरूरत पड़े तो पक्षांतर करेंगे तो टेन इनवर्स एक्स निकल कर आएगा, ठीक। ओके वैल्यू पुट करो, वाई बराबर साइन इनवर्स वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपान वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये किसका फार्मूला बच्चों? ये आपके कॉस टू थीटा का। अब बड़ी समस्या है, यहाँ पे साइन है यहाँ पे कॉस है, तो इसको मैं ऐसा चेंज कर सकता हूँ साइन 90 माइनस थीटा, 90 मतलब साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, ये कहां से आया? चतुर्थांश से। अब साइन से साइन काट दो तो वाई बराबर आ गया पाई बाई टू माइनस टू थीटा, यानी पाई बाई टू माइनस टू थीटा का मान टेन इनवर्स एक्स। अब मुझे क्या करना है? अवकलन करना है डी वाई अपान डी एक्स, मतलब डी अपान डी एक्स हो जाएगा पाई बाई टू माइनस टू टेन इनवर्स एक्स। देखो बच्चों इसका मान जीरो हो जाएगा और इसका मान हो जाएगा टू इंटू वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर। अवकलन तो मतलब डी वाई अपान डी एक्स का जो मान निकल कर आएगा माइनस टू अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर, आंसर आ गया। थोड़ा बहुत इधर उधर चेंजेस हो गया, माइनस आ गया, बस खत्म कहानी। चलिए आगे देखते हैं हम, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 नंबर में है बाई बराबर कॉस इनवर्स टू एक्स अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर। अभी एक बार था ना हमारा, यहाँ पर वन माइनस साइन स्क्वायर था, नहीं था, अच्छा इस बार वन प्लस एक्स स्क्वायर सेम ही है। मतलब हम यहाँ पर क्या मान लें? कॉस थीटा ही मान लें कि टेन थीटा मान लें? क्या माने? टेन थीटा मानते हैं, वही प्रोसेस करेंगे तभी तो मज़ा आएगा। देखिए इस बार दो खंड लग जाएगा, इस पेज में समाप्त नहीं होगा। माना एक्स बराबर टेन थीटा, तो जब हमें थीटा की जरूरत पड़ेगा तो टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, हो जाएगा। वाई बराबर आपका आ गया बच्चों कॉस इनवर्स टू टेन थीटा अपान वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये किसका फार्मूला है? ये साइन टू थीटा का फार्मूला है। किसका है? साइन टू थीटा का। अब फिर से समस्या हो गया यार, यहाँ पे कॉस यहाँ पे साइन, तो इसको जैसे भी पिछले क्वेश्चन में मैंने चेंज किया था, इसको कॉस 90 माइनस थीटा मैं कर दूँ, कॉस 90 माइनस थीटा, तो ये साइन थीटा हो जाएगा। अब कॉस से कॉस कट जाएगा तो वाई बराबर पाई बाई टू माइनस टू थीटा, ठीक। अब देखिए वाई बराबर हो जाएगा पाई बाई टू माइनस टू टेन इनवर्स एक्स, थीटा का मान रख दिया ना, थीटा का मान। अब क्या करना पड़ेगा? एक्स के सापेक्ष अवकलन पाई बाई टू माइनस टू टेन इनवर्स एक्स। देखो डी अपान डी एक्स करोगे एक बार पाई बाई टू का, दो बाहर ले लोगे डी अपॉन डी एक्स करोगे टेन इनवर्स एक्स का, इसका जीरो आ जाएगा टू इंटू वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स का मान कितना आएगा बच्चों? माइनस टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। सिमिलर क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बड़े साधारण से हैं ना और आसानी से आ भी रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि भाई साहब आप लोगों से क्लियर हो गया होगा, बन भी गया। अब दो क्वेश्चन तो बचे हैं, दो क्वेश्चन बिल्कुल फास्ट होगा अपना, ठीक। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, देखो भाई बाई बराबर है अपने पास साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। अब देखो जब भी साइन हो तो आप लोग पढ़े हो भाई साइन 2 थीटा का फार्मूला, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो चाहे आप x बराबर साइन थीटा मान लो चाहे कॉस थीटा मान लो, आंसर सेम आएगा। जैसे मैं माना साइन थीटा ही मानकर चलता हूँ, माना x बराबर साइन थीटा, देखिएगा जब साइन थीटा मान के चलेंगे, जब थीटा की जरूरत पड़ेगी बच्चों तो साइन इनवर्स x हो जाएगा। अब देखिए बाई बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो बाई बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स
यहाँ पे 2 साइन थीटा रहने दीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, निकल कर आएगा कॉस थीटा। अब ये किसका फार्मूला है, ये है साइन 2 थीटा का, ये कट गया तो बाई बराबर आ गया आपका 2 थीटा, मतलब 2 थीटा का मान रख दिया हमने साइन इनवर्स एक्स, इसलिए हमें निकालना डी वाई अपान डी एक्स, तो डी अपान डी एक्स 2 साइन इनवर्स एक्स, दो बाहर ले लो कांस्टेंट है और साइन इनवर्स एक्स का अवकलन कर दो। तो बच्चों साइन इनवर्स का क्या होता है, 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसलिए डी वाई बाई अपान डी एक्स बराबर आ चुका है आपका 2 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। खत्म इतना, और आखिरी क्वेश्चन नंबर 15, वाई बराबर आपका है sec इनवर्स 1 अपान 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये लो भाई, ये वाला फार्मूला कहाँ से आ गया, 2 एक्स स्क्वायर कैसे सेट हो सकता है, तो 2 cos² θ - 1 होता है या 2 sin² θ - 1, ये वाला फार्मूला हमको लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या माने जिससे सेट हो जाए, तो माना x बराबर हम मानते हैं cos थीटा, तो थीटा बराबर हो जाएगा cos इनवर्स x। अब जो 11th क्लास में पूरा त्रिकोणमिति पढ़ा होगा वही चीज़ समझ पाएगा, नहीं तो फिर खत्म कहानी। देखिए sec इनवर्स है, रहने दीजिए, यहाँ हो जाएगा 1 अपान 2 cos² θ - 1। अब ये किसका फार्मूला है जानते हैं, ये किसका फार्मूला है, ये cos 2 थीटा का फार्मूला है। 1 cos का होता है sec, 1 cos का होता है बच्चों sec 2 थीटा, sec से sec कैंसिल, बचेगा 2 थीटा, तो बाई बराबर 2 थीटा, थीटा का मान हो जाएगा cos इनवर्स x। अब डी बाई अपान डी एक्स निकालना है, तो डी अपान डी एक्स 2 cos inverse x, 2 आप बाहर ले लो, डी अपान डी एक्स cos इनवर्स x, इसका आएगा माइनस में, तो -2 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि जानते हैं कितना आता है, 2 × -1 / √1 - x² ये cos इनवर्स का अवकलन है, cos इनवर्स का आपका अवकलन है, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा प्रश्नावली 5.3 कंप्लीट हो चुका है, उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोग समझ गए होंगे, और इसके बाद हम सीधे 5.4 पर चलेंगे, 5.4 भी एक ही लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, फटाफट यहाँ पर क्लासेस चलेंगी, आप निश्चिंत रहें। बहुत सारे बच्चों ने कहा था कि सर आप मैथ पर ध्यान नहीं देते हैं, तो आप लोगों के साथ हम बने रहेंगे, बस आप लोग बच्चों प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, और हमारे ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, प्लीज़ लाइक करके शेयर कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।